टीवी की धाकड़ अदाकारा कविता कौशिक ने बिग बॉस 14 में एंट्री मारते ही धमाका कर दिया है। वो अपनी एंट्री के साथ ही घर की नई कैप्टन बन गई हैं और अब सभी घर वाले उनके इशारों पर नाचते नजर आएंगे। कविता कौशिक ने बिग बॉस 14 के घर में जाने से पहले एक लीडिंग एंटरटेनमेंट पोर्टल से बात की थी और इस चर्चा के दौरान उन्होंने पवित्र पुनिया और गौहर खान के बीच हुई लड़ाई पर कमेंट किया है। इस चर्चा के दौरान कविता कौशिक ने कहा है, पवित्र पुनिया ने गौहर खान के लिए जिस भाषा का उपयोग किया है उससे उनका कैरेक्टर दिखता है। कविता कौशिक के अनुसार गौहर खान को गाली देने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। पवित्र पुनिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। गौहर ने ऐसा कुछ नहीं किया था कि उनकी इस तरह से बेइज्जती की गई। गौहर खान अपने आप में एक बड़ी अदाकारा है और बड़े और छोटे की तो बात ही छोड़ दीजिए, सिर्फ एक गेम के लिए आप किसी को गाली नहीं दे सकते हैं, इससे आपके कैरेक्टर का पता चलता है। गौहर ने अपनी मेहनत से इतना नाम कमाया है और उनके करोड़ों फैंस हैं। पवित्र पुनिया ने गाली देकर अपना ही नुकसान किया है, ना कि गौहर खान का। इससे पवित्र पुनिया का कैरेक्टर सबके सामने एक्सपोज हुआ है। मैं इस इंसिडेंट के बाद गौहर खान से और ज्यादा बात करूंगी। कविता कौशिक ने गुस्से के कारण होने वाले नुकसान पर भी अपने विचार रखे हैं और बताया है, इस तरह का गुस्सा किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। बीते सीजन में सिद्धार्थ और असीम की लड़ाई से उनको फायदा हुआ था, लेकिन इस सीजन में वही रिपीट करके किसी को फायदा नहीं होने वाला है। हर इंसान की अपनी खूबियां होती हैं और बिग बॉस 14 में आपको उन्हीं खूबियों को दर्शकों के सामने पेश करना होता है। वैसे बिग बॉस का घर है ही ऐसा कि यहाँ आकर अच्छे अच्छे अपना आपा खो बैठते हैं। अब कविता कौशिक खुद इसी घर में हैं, ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि वो अपने गुस्से को काबू कर पाती हैं या नहीं। वैसे आपका पवित्र पुनिया और गौहर खान की लड़ाई के बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और बिग बॉस की ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए बॉलीवुड लाइफ का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।